अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और साथ ही स्टार्ट हो रहा है मेरा व्लॉग। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच। लंच में मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी, प्लेन अरवी की सब्जी, सादी बिल्कुल, और बना रही हूँ मिक्स दाल। तो अभी तो मेरी दाल नहीं बनी है, पहले मैं सब्जी बना लूंगी उसके बाद दाल बनाऊंगी। रोटी चावल मेरे बन चुके हैं, तो चलें अब हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है अरवी की सब्जी में। अरवी ऐड कर देंगे हम, इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले, नहीं हल्दी, नहीं धनिया, जीरा, कुछ भी नहीं, प्लेन। दाल के साथ प्लेन अच्छी लगती है ना, तो बस मैंने प्लेन ही बना दी है। तो हमने इसमें एक दो ड्राई मैंगो के पीसेस डाल दिए, थोड़े लाल कुटे हुए मिर्च डाल दिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक सीटी लगा देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट होकर गल के बन जाए, क्योंकि अरबी की सब्जी तो अच्छी गली गली अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, उसके बाद पका लेंगे। रोज रोज कुछ भी समझ में नहीं आता है आज क्या बने, तो मैंने आज समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने मिक्स दाल सोचा कि बना लूं और ये सब्जी। तो पहले मैं सब्जी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ दाल। तो ये देखिए हमारी अरवी की सादी सब्जी बनकर तैयार है और अब हम बनाएंगे दाल। मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। तब तक के लिए इसको हम रख देते हैं साइड में। तो अब हम मिक्स दाल बनाने जा रहे हैं। हमने दाल में ले लिया है चने की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, वॉश करके रखा था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज और कुछ हरी मिर्ची। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मिर्ची डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें पाउडर भी डालेंगे लाल मिर्च का। ये हमने अदरक लहसुन ले लिया है। हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, दो तीन तेज पत्ते, नमक हल्दी जायका। तो हमने इसमें दो ग्लास पानी ऐड कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे रख के 4 से 5 सीटी आने देंगे ताकि हमारी दाल गल जाए। और बाकी के जो कुछ मसाले सूखे हमने डालने हैं वो हम दाल गलने के बाद डालेंगे, और तब तक इसको गलने देते हैं। तो जब तक हमारी दाल बनती है हम देखते हैं। आज हमने मेहंदी भी गाया था बाली में लगाने के लिए 1 घंटे पहले तकरीबन, और शायद ये अच्छे से मिक्स नहीं हुई है। देखिए लम्स पड़े हुए हैं। जी बेटा शीशी चाहिए? अच्छा हम लेके आ रहे हैं। तो मैंने इसमें भृंगराज पाउडर, शिकरकाई, आंवला पाउडर सब ऐड किए हैं बाल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं। तो कहते हैं कि भृंगराज लगाने से स्ट्रांग होते हैं, नहीं टूटते। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अभी कुछ दिन लगा के देखते हैं, एक बार में तो होगा नहीं ना, तो देखते हैं लगा के। तो ये देखें, कल हम लोग गए थे मार्केट और कुछ डेली यूज के लिए कपड़े लेके आए हैं कॉटन में। वैसे भी गर्मी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही होता है। तो ये देखें, एक ये है, ये टॉप है और इसका बॉटम ये है, और दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट है, शिफॉन में है, इस तरह के लगे हुए सितारे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट दुपट्टा है। एक ये है ब्लैक एंड रेड, थोड़ा सा मिरर लगा हुआ है, ये इसकी ब्लैक बॉटम है और इसका दुपट्टा ऐसे दो शेड में है। ये भी कॉटन का ही है। एक ये सूट है येलो कलर का, कॉटन का ये भी है, और इसमें ये वर्क बहुत प्यारा है रेशम का, पूरे टॉप में इसी तरह से है। और ये इसका दुपट्टा है 3D प्रिंटेड कॉटन का है, ये इसका बॉटम है, बहुत ही प्यारा सूट ये भी है। मैं एक ही कलर के दो सूट लिया ही, एक जैसे दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। तो एक तो ये है और दूसरा मैं दिखा रही हूँ आपको, एक दूसरा येलो ये सूट है, इसमें भी ऐसे सितारे लगे हुए हैं और ये प्रिंट है, ये भी कॉटन है, बहुत ही प्यारा सूट है ये भी। और इसका बॉटम ये है रेड कलर की शलवार, और ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, ऐसे सर्कल बने हुए सितारे के, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, शिफॉन का है। और इस तरह का जो इसमें ये लगा हुआ है गले में बॉर्डर, उसी तरह का इसमें दुपट्टे में भी दिया हुआ है, ये देखें बहुत ही प्यारा है। माहम ड्रेस अच्छी लग रही है मेरी, कौन सी ज्यादा प्यारी है? वो वाली, ये वाली नहीं अच्छी है? ये नहीं अच्छी।
तो गाइस बताएं आप लोग को सबसे ज्यादा कौन सी ड्रेस अच्छी लगी ताकि मैं वही लूं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन दो येलो कलर में, एक ये है। वैसे मुझे ये थोड़ा पसंद था लेकिन मैं दोनों में ज्यादा कंफ्यूज हूँ। वो भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका दुपट्टा ज्यादा प्यारा है और ये भी अच्छा है। तो बताएं कौन सा सूट आप लोगों को बहुत प्यारा लगा। तो इब्राहिम और वाहम तुम लोग नानी के यहाँ घूम के आ गए। हाँ, ये लोग नानी के यहाँ गए थे, छुट्टियां हुई थी स्कूल की, तो अभी एक महीना रह के आयो। नहीं, बहुत ही मजा किया। क्या किया इब्राहिम, कहीं गए थे घूमने? नाना ने कहीं घुमाया? ब्लू वर्ल्ड गए थे। और क्या क्या खाया वहाँ पे, क्या खिलाया नानी ने इब्राहिम, आप बताएं। क्या फ्लावर, ये क्या है? फ्लावर, कैंडी फ्लावर। अच्छा, और मतलब खूब मजे किए, एंजॉय किया है ना? मजा आया? रोए तो नहीं थे आते वक्त नानी के लिए? झूला था। हाँ, ऐसे वाला वो तो चाय पीने गया था। अच्छा, हानिया को लेके नहीं गए? हानिया बहुत ज्यादा रो रही थी तुम लोगों के लिए। अब की बार लेके जाएंगे। लेके जाओगे? हाँ, वो कितना परेशान, कितना मिस कर रही थी। एक्चुअली मैं हानिया ना इन्हीं लोगों के साथ खेलती है, कहीं जाने तो देते नहीं है, बाहर भी छोटी है। तो ये है मेरे मामू के बच्चे दोनों, तो ये लोग आते हैं तो इनके साथ बहुत ही खेलती है। तो ये लोग गए हुए थे अभी नानी के घर कानपुर, तो आ जाए तो हानिया बहुत ही ज्यादा खुश है। अभी वो नहा रही है। तो इस बार हानिया को लेके जाओगे ना? हाँ, पक्का? प्रॉमिस? अच्छा, कानपुर में रहना पड़ेगा। अच्छा, हानिया तो मम्मा के बिना रह नहीं पाती है। गिरी दाल पक चुकी है और फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और हमने तड़के के लिए काट लिए हैं प्याज और साथ ही हमें चाहिए करी पत्ता। तो उसके लिए तो हमें नीचे जाना पड़ेगा गार्डन में। तो चले जब तक ये प्रेशर निकलता है कुकर का और हम लेके आते हैं करी पत्ता। धूप बहुत तेज है बाहर, तो चले जब तक हम तोड़ के लाते हैं करी पत्ता, उसके बिना तो दाल ही नहीं अच्छी लगेगी। तो हम आ चुके हैं करी पत्ते तोड़ने, इस साइड लगा हुआ है। काफी बड़ा पेड़ था इसका लेकिन यहाँ पे बंदर बहुत हैं तो उन्होंने पेड़ तोड़ दिया। तो ये उसी के साइड में एक छोटा सा पेड़ निकला था, अभी बड़ा हो गया है। इसके बिना तो कोई दाल ही नहीं, करी पत्ते हम जरूर डालते हैं। तो ये बस हमें इतने ही चाहिए थे, हमने तोड़ लिए हैं, चलते हैं वापस। अपने गार्डन की सब्जियों की बात ही अलग होती है, इनका टेस्ट ही अलग होता है क्योंकि इनमें तो दवाएं तो डाली ही आती हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी तैयार होती है। देखिए कितनी फ्रेश है। तो अभी तो हमारा खाना बन चुका है, इनको हम बनाएंगे शाम में, लेकिन तोड़ लेते हैं। अब हम नीचे आए ही हैं तो इनको तोड़ लेते हैं। तो देखिए भिंडी तो अभी काफी लगी है लेकिन अभी हम पूरे नहीं तोड़ रहे हैं, बाकी के शाम में तोड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है तो चले चलते हैं। तो ये देखिए हमारी मिक्स दाल गल चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ जीरा पाउडर, रोस्ट किया हुआ है। 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे गरम मसाला एक चुटकी हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और इनको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी दाल में बॉईल आने लगा है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसको रख देंगे साइड में और तैयारी करते हैं इसके तड़के की। तो हमने तड़के के लिए तवे को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है, अब उसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल। तो ये हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है, हम ऐड कर देंगे प्याज। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा हमने डाला है।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। अब हमने फ्लेम को ऑफ करके हमने इसमें डाल दी है थोड़ी सी हींग। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार है, अब हम इसको डाल देंगे दाल में। तो ये देखिए हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा।